धर्मशाला गांव का। आ रहे हो बारिश में, ट्यूशन से आ रहे हो, थक गया क्या? तरफ अंदर के अंदर तरफ एंट्री करते हैं, वो पानी है रोड पे आ जाएगा। सारा दुकान के अंदर भी पानी पुणी। आगे से बारिश में कहाँ ले गए। ये देखो यहाँ से मजा आ रहा है ना। yes! ये देखो तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मतलब हमारे गांव में नहीं पूरे हरियाणा में व्हाट्सएप स्टेटस में यही गाना चल रहा था कि हद हो चुकी है आजा परवरदिगार आजा देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। और वो आज इंतजार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और हमारे गाँव में ही नहीं पूरे यमुनानगर क्या मुझे लग रहा है कि पूरे हरियाणा में ही बारिश पूरी जोर से आई हुई है दबा के। देखो पीछे पानी, बारिश ही बारिश है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको पूरे गांव की बारिश। जैसे मैंने लाहौर व्लॉग बनाया था ना, लाहौर टूर व्लॉग, वैसा ही बनेगा एक बारिश का व्लॉग। तो मेन टाइटल रहेगा बारिश व्लॉग। तो हमारे गाँव की बारिश देखिए। और जो भी बाहर अदर कंट्री में रहते हैं एक बार कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको अपने गाँव का बारिश वाला मौसम और बारिश वाली वीडियो देख करके कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मैं चलता हूँ। ये हमारे गांव की बड़ी धर्मशाला, मतलब हमारे गांव का ये है बड़ी धर्मशाला। देखो कितना पानी भरा पड़ा है और मैं लेके चलता हूँ पूरे गांव में। तो देखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए और लास्ट तक व्लॉग को देखिए। और तब तक के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस और वीडियो को कर दीजिए लाइक दबा के। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको, चल वीडियो को करते हैं स्टार्ट ना। और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और ये देखो बारिश में कहाँ से आ रहे हो, बारिश में ट्यूशन से आ रहे हो, थक गया क्या? ओ भाई ट्यूशन से बारिश में चल दिए। तो दिखाता हूँ आपको, देखो एक कार आ रही है, कितने मतलब पानी चलता हुआ, देखो कितने। ओ माय गॉड मैं मिस कर गया। सो गाइस इस गली की हालत देखो कैसी है, मतलब पानी भर चुका है। ये है गली ऊपर की तरफ, गाँव की तरफ अंदर के अंदर एंट्री करते हैं, वो है गली। और ये देखो, ओ हो हो, ये देखो इतना पानी भर चुका है कि यहाँ पे पता ही नहीं चला कि कितना पानी है। और ये हमारे गांव का खेड़ा बाबा, देखो यहाँ से कितना पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। ये देखो इतना पानी भर चुका है, नहा रहे कदम। परेशानी है ना जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल देखो ये इतना पानी तो रोड पे तो चढ़ी गया।
बिल्कुल जी बिल्कुल, बाहर आ गया पानी तो, बिल्कुल जी बिल्कुल, सारा भर जाएगा, सही बात है भैया। सारा दुकान के अंदर भी पानी पूनी, थोड़ा सा इधर का निकासी की वजह से दिक्कत हो रही है ना ये, बिल्कुल जी बिल्कुल। और कोई चीज़ गवर्नमेंट आई क्या, वो चुका लगी गवर्नमेंट की क्या कांग्रेस की, किसी ने इसकी तरफ ध्यान दिए ये भी है जी। अब देखो जी बिल्कुल, देखो ये मेरा पैर है और ये हमारे गांव के राम सिंह जी जा रहे हैं चलते चलते। और एक बाइक यहाँ ना, नाला एक खड्डा है, हाँ आगे से हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे अगर अनजान आदमी इधर से निकले ना तो यहाँ एक बड़ा सा नाला है खड्डा, वो तो भाई देखो इधर की तरफ गांव में, ये बीच की जो नाली है ये देखो पूरा का पूरा भरा पड़ा है। इधर बाद में जाएंगे, पहले इधर चलते हैं। ये देखो, और ये हमारे रूड़े जी। बाबा जी नमस्ते, क्या रहा बाबा जी, वो पानी पानी गाँव में इकट्ठा हो गया, देख कर नाला है आगे ना निकल का पर न जियो, ले आ जाओ आ जाओ, इन ही रहेगा क्या पानी इकट्ठा हो। ये देखो ये हाल है, ये देख लो हमारे गांव का ये हाल है, मतलब अगर बारिश थोड़ी सी भी आ जाए ना तो इस तरह से पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। ये देखो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं 10 दिनों से बारिश हो रहा है, इतनी पानी इकट्ठी होगी, जबकि बारिश आज सुबह से ही हो रहा है 9 बजे से। देखो ये है हरिजनों का मोहल्ला, मतलब मैं तो यहाँ का लोकल हूँ इसलिए मुझे यहाँ के हर जगह का पता है कि कहाँ पे नाली है और कहाँ पे कैसा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे कोई अनजान आदमी आया ना तो कहीं नाला है तो पूरी की पूरी स्कूटी अंदर की तरफ चली जाएगी। और मेरी चप्पल ना टूट जाएगा, ये देखो इस गली का क्या हाल है, कैसे जाएंगे यहाँ से लोग। आंटी जी गाँव की हालत दिखा रहा आज मैं। क्यों कहाँ ले गए बारिश में कहाँ ले गए तेरी दोस्त। मेरा फोन भी भीग गया पूरा, ऐसा लग रहा है कि खराब होगा, नया फोन लिया मैंने ये, पर कोई बात नहीं चले चलते। तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है जो कि मैं बता रहा था आपको, और ये जो है ना देखो ऐसा लग रहा है कि नदी वाला एरिया है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और ये सारा जो देख रहे हैं भूस, ये नाले से निकला हुआ पानी है, मतलब देख लो पूरे गांव को, ये देखो क्या बात है। इधर से ओ देख गिर गया क्या, बच गया, क्या बात है। ये देखो यहाँ से दूर दूर तक, पैर देखो मेरा कहाँ तक है, इतना पानी है, कम से कम पता नहीं मुझे कितना इंच होगा ये। बाकी ये देखो दुकान की ना कितनी पैड़ी है, ये फर्स्ट कम से कम ये 4 इंच ऊंचा पानी है, 4 से 5 इंच, 4-5 इंच मतलब ऊंचा पानी हो चुका है यहाँ पे। ये देखो ये दोनों तरफ नाली है लेकिन फिर भी पानी ही पानी। आ गया, ओए
पन्ने पर। तुम क्या कर रहे हो? नहा रहे क्या? नहा रहे तुम? देखो भाई अगर कोई आए तो कितना पानी होगा, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ भाई। अरे यार तू तो हट जा। देखो मतलब आधा टायर नीचे है पूरा का पूरा, ये हाल है हमारे यहाँ का। चप्पल का दी देखी कितना है बोल दे तो ये नहीं आ रहा था तंदूर में। एप्पल का फोन है, गिर गया ना। आपने देखा कि कितना पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये देख लो। मतलब ये जो पैड़ी है ना, अगर थोड़ी नीचे होती तो इसके अंदर ही पानी चला जाता। और ये बच्चे, अरे पीछे क्यों आ रहे तुम? भाग, वीडियो में तो आओगे लेकिन भाग के नियम। बस ठीक। और ये हमारी खुशी दीदी का घर है। कहाँ खुशी? अंदर है। देखो क्या ना लग रहा था मैं। बस ठीक तो मिले रे बारिश का असली मजा। हाँ क्यों बना दो। देखो और ये वाला गली थोड़ा ऊंचा है इसलिए यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं हुआ है। बाकी गली का उधर तरफ का भी है और बच्चे मेरे साथ साथ घूम रहे। देखो मतलब इनको पता नहीं कितना मजा आ रहा है कि घूमने में। मजा आ रहा है ना? चलो चलो चलो। तो ये देखो बारिश का नज़ारा। मतलब ये मैं गांव के एक छत पे चढ़ा हूँ बाहर की तरफ से, और इधर देखो ये खाली जगह सारा भरा पड़ा। मेरी छतरी भी उलटने के लिए हो रही है। इधर से देखो मतलब यहाँ पे ना धान लग चुके हैं, जीरी बोलते हैं जिसको। और इधर से देखो ये रहा गांव हमारा अपना। उधर से दिखाऊँ तो ये है दूसरी तरफ का एरिया, ये देखे आप। ओ माई गॉड, ये देखो यहाँ से देखो। और भी मैं एक और छत पे, जो वो दिख रहा है ना आपको सामने सामने रेड कलर का कारपेट रखा हुआ है, उस छत पे चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ अपना गांव। ये देखो